हाय फ्रेंड्स, जैसा कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लगातार स्पेस में अपना दबदबा बढ़ा रहा है, एक मरतबा फिर से आई स्पेस में एंट्री करने वाला है, एक कदम रखने वाला है। आई स्पेस में ये एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है इसी महीने, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है। हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है इससे पहले ही दो सैटेलाइट आई स्पेस में लॉन्च कर चुका है। एक है रिसेट 1 और एक रिसेट 2, जो कि अब एक सैटेलाइट छोड़ने वाला है। यह है रिसेट 2Br1। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है। ये पीछे वाले आई स्पेस वाले जो भी सैटेलाइट है उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। ये एक इनहेंस रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, जो कि किसी भी वक्त हाई रेजोल्यूशन की फोटो ले सकता है, जो कि मिलिट्री के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। हम आपको बता दें, इससे पहले 2008 को रिसेट 2Br लॉन्च किया गया था, जो कि एक आई सैटेलाइट था। वो जो है इसराइल के द्वारा लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस वक्त इसरो के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब जो है रिसेट 2Br1 जो है ये हमारे इसरो ही के द्वारा छोड़ा जा रहा है, जो कि 22 मई को, इसी महीने के 22 मई को श्री हरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। अब हम इसके खसूसियात के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल ये एक नॉर्मल सैटेलाइट नहीं है, तो इस वीडियो में हम इस सैटेलाइट के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह एक इनहेंस सर्विलेंस इमेजिंग कैपेबिलिटी रखने वाला सैटेलाइट है, जो कि एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी SAR, जो कि मिलिट्री ग्रेड सेंसर के साथ काम करता है। दरअसल अब हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से दिन रात किसी भी वक्त चाहे कितना भी घना बादल क्यों ना लगा हो, पृथ्वी के किसी हिस्से का बेहतरीन इमेज यानी हाई रेजोल्यूशन वाले इमेज कैप्चर कर सकता है। दरअसल SAR एंटीना, जिसे हम लोग सिंथेटिक अपर्चर रेडार एंटीना कह सकते हैं, टारगेट रीजन पर मोशन करता है यानी चक्कर लगाता है, और फाइंड बीम के जरिए से टारगेट को स्कैन करता है। ये बीम टारगेट से टकरा करके इसके लार्ज अपर्चर यानी बड़ा एंटीना और सिंथेटिक यानी घूमने वाला एंटीना के पास आता है, जिससे ये हाई रेजोल्यूशन की तस्वीर ले पाता है। इसीलिए इसे सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी कहते हैं। दरअसल बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए इस तरह का सैटेलाइट का होना बहुत जरूरी है। इस तरह का सैटेलाइट हर वक्त पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर नजर रखेगा, साथ ही साथ समुद्री तट से आने वाले चाइनीज जहाजों का भी, अगर वो इंडिया के मर्जी के खिलाफ आ रहा होगा तो पता लगा करके वो मिलिट्री को इन्फॉर्म कर देगा। ये इतना इम्पोर्टेंट मिशन होने वाला है, क्योंकि अगर ये कामयाब होता है, वैसे भी इंडिया का जो है अभी स्पेस में कामयाबी 95% है, तो ऐसे में कामयाब होने की पूरी चांस है, पूरी संभावना है। तो ये अगर कामयाब हो जाता है, इससे मिलिट्री को इतना फायदा होगा कि वो किसी भी वक्त नजर रख सकता है, किसी बाहरी देश का नेवल शिप या कोई जहाज आए तो उस पर वो नजर रख पाएगा और उससे लड़ने के लिए तैयार रह सकता है। इस सैटेलाइट का रडार इतना पावरफुल है कि ये घने बादल में भी तस्वीर ले सकता है, चाहे मौसम कितना भी खराब हो, दिन हो या रात हो, या हाई रेजोल्यूशन की 1 मीटर के डिस्टेंस से तस्वीर ले सकता है। 1 मीटर के डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर सिर्फ 1 मीटर की दूरी है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियरली फोटो लेकर के दिखा सकता है। और हम आपको बता दें कि ये किसी एक जगह की तस्वीर दिन में 2 से 3 मरतबा ले सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी एक जगह की तस्वीर लगातार देता रहे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक पोलर सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट पर चक्कर लगाती है, और एक जगह की तस्वीर लेने के बाद वो फिर पूरे अर्थ का चक्कर लगाकर वापस आता है, फिर उस जगह की तस्वीर लेता है। तो ऐसे में ये दिन भर में 2 से 3 मरतबा एक जगह की तस्वीर यहाँ सेंड कर सकता है, लेकिन जो तस्वीर भेजेगा वो तस्वीर बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की तस्वीर होगी, यानी जिसमें बहुत डिटेल देखा जा सकेगा। लेकिन अगर बात ऐसी है कि हमें वो सैटेलाइट की जरूरत है जो हमेशा एक ही जगह पर रहकर या किसी भी वक्त एक जगह का तस्वीर लगातार भेज सके, तो इसके लिए भी इसरो के पास एक जुगाड़ है, और इसरो बहुत जल्द एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, यानी GISAT लॉन्च करने वाला है, जो कि इस तरह का कैपेबिलिटी रखेगा और एक ही जगह पर रहकर वो किसी जगह की लगातार तस्वीर सेंड कर सकेगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा और ये मिशन आपको कैसा लगा, कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, हमें कमेंट जरूर कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया।